हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंघाड़े की सब्ज़ी। सिंघाड़े तो आप लोगों ने बहुत तरीके से खाए होंगे, उबाल के भी खाए होंगे, कच्चे भी खाए होंगे, और आज मैं बनाने वाली हूँ देखिए इसकी सब्ज़ी। ये देखिए मैंने बाकी सिंघाड़े छील के रखे हुए पहले से, और एक मैंने बचा के रखा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए। ये देखिए अब इसको हल्के हाथ से, सिंघाड़े हमें थोड़े टाइट वाले लेने होते हैं इसके लिए, क्योंकि जो कच्चे सिंघाड़े होते हैं वो थोड़ा मीठे होते हैं। अब मैं इसकी मदद से थोड़ा इसकी नोक से इसको छील लूँगी। इसे नाखून से छीलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हमारे हाथ में भी लग सकता है। ये देखिए अब मैं इसकी सारी छिकल हटा दूँगी। ये थोड़ा टाइट होता है, इस वजह से इसको टाइम लगता है थोड़ा छीलने में, इसलिए मैंने सारे पहले से छील के रखे हुए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसे इसके ऊपर एक और बारीक सी छिकल होती है, इसे हम ऐसे करके निकाल देंगे। देखिए अब इसके दो पीस करूँगी ऐसे, और पानी में डालने हैं इसे। मैंने ठंडा पानी लिया हुआ है, उसमें डालना है इसको। ये देखिए अब मैं सारे ऐसे ही काट लूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ी अदरक ली है एक गांठ, और मैंने लहसुन मैंने छीला नहीं है, मैंने ऐसे ही भिगो दिया है, और प्याज को छीलकर धो लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। मैं मसाला थोड़ा ज़्यादा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दो सब्जियों के लिए चाहिए। जैसे कि मैंने 250 ग्राम सिंघाड़े लिए हैं, आप लोग इसके लिए दो प्याज का यूज़ कर सकते हैं, और आधे टमाटर का, अदरक भी थोड़ी सी लेंगे, और लहसुन भी दो चार ही लेंगे। और मैं इसमें डालूँगी दो चार हरी मिर्च। इसकी मैं डंडी निकाल दूँगी, मैंने हरी मिर्च पहले से धो के रखी हुई थी। इसमें सिंघाड़े के सब्ज़ी में थोड़ा मिर्ची तेज़ रखनी होती है, क्योंकि ये पहले से थोड़ा मीठे होते हैं, इसीलिए अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। ये देखिए टमाटर भी थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ मैं, सब्जी मसाला थोड़ा ज़्यादा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को दो सब्जियों के लिए चाहिए। चलिए अब मैं इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और थोड़े एक लाल मिर्ची डाली मैंने तोड़कर, और दो तेज पत्ते छोटे ही लिए मैंने। इसे अच्छे से भुनने दूंगी। इसमें लाल मिर्ची ऐसे डुलाती रहूंगी इसलिए, क्योंकि इसकी तो फिर थोड़ा सा भस्सी फैल जाती है, जो आंखों में और नाक में हमेशा लगती है, इसलिए हमें डुलाते रहना चाहिए इसको थोड़ा सा। ये हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला, थोड़ा सा जीरा लूंगी, हल्का सा जीरे को भुनने दूंगी। जीरा हो चुका है, मैं लूंगी मसाला। ये देखिए मसाला थोड़ा दरदरा रखना है मैंने को, दरदरा मसाला अच्छे से स्वाद देता है। ये देखिए थोड़ा ही लूंगी, क्योंकि सब्जी थोड़ी है, बस इतना काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि जो सिंघाड़े हैं वो थोड़े कम ही हैं। अच्छे से डुलाना है। देखिए थोड़ा मसाला दरदरा होता है तो उसका कलर भी अच्छा आता है, और भुनने में थोड़ा सही रहता है। ये देखिए मैंने अमूल का दही लिया है। दही इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा
आपने देखा होगा सिंघाड़े में थोड़ा सा मीठापन होता है, इससे हमारा स्वाद चेंज हो जाएगा। जो मीठापन होता है सिंघाड़े के अंदर वो नहीं होगा आएगा, उससे थोड़ा सा स्वाद अच्छा हो जाएगा। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। दही थोड़ा रुक के ही डालना चाहिए क्योंकि मसाले जब थोड़ा सा भुन जाएं तो दही को डालें। अब मैं डालूंगी इसमें मसाले सारे, ये रहा नमक। नमक हमेशा स्वाद अनुसार डालें। ये लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा सा, इसे मैं साथ साथ मिलाती रहती हूँ। मिर्ची थोड़ी कम है, हल्की से थोड़ी ज़्यादा डालनी होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेज रखनी होगी मिर्ची, क्योंकि सिंघाड़े जैसे मैंने बताया हल्के मीठे होते हैं। अब मैं लूँगी धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी। देखिए मिला दूँगी अच्छे से। अब मैं डालूँगी धनिया पाउडर, ये देखिए धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। इसे भी अच्छे से मिला दूंगी। आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना अच्छा है क्योंकि मैंने ज़्यादा तेल भी नहीं डाला था, बाकी तब भी मसाला दिखने में कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि हम जब ज़्यादा बारीक पीस लेते हैं तो थोड़ा सा अलग से दिखता है मसाला, थोड़ा दरदरा रखेंगे तो मसाला हमेशा अच्छा लगता है। मैं इसे ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए और इसे पकने दूंगी। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है हमारा, आप देख सकते हैं कि उसका जो तेल तेल था सारा बाहर आ चुका है। देखिए मैंने सिंघाड़े धो लिए थे अच्छे से छीलकर, मैं इसको डाल रही हूँ इसमें। अब मैं इनको मिला दूंगी अच्छे से। इसे 2 मिनट के लिए ढक दूंगी मैं। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे फिर से डुला के देख रही हूँ मसाला अच्छे से भुन गया कि नहीं। ये मैं पानी डालूंगी थोड़ा सा क्योंकि सिंघाड़े थोड़ा सा टाइट होते हैं तो इसमें थोड़ा पानी लगेगा। वैसे ये ग्रेवी इसमें कमी रखी जाती है, देखिए बस पानी उतना ही डालूंगी जितना मुझे फिर पकने के लिए चाहिए होगा। इसे ढक दूंगी। ये देखिए एक उबाल आ चुका है, सब्जी को चेक कर लेंगे पकी कि नहीं पकी है। अभी थोड़ा टाइट है, मैं दोबारा से इसको ढक दूंगी। चलिए देखते हैं हमारी सब्जी अब तैयार हुई या नहीं, मैं चेक करूंगी इसे। तो देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका और ग्रेवी भी कितनी अच्छी है इसकी। अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है काली मिर्ची का पाउडर, ये देखिए मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें डाल दूंगी छोटा, थोड़े छोटे चम्मच से डालना है, थोड़ा ही डालना है क्योंकि सब्जी थोड़ी है, बस इतना बहुत है इसके लिए। अब मैं इसे डुला दूंगी अच्छे से। बस 2 मिनट चलाते रहना है कम गैस पे से ताकि काली मिर्ची का खुशबू सारे में फैल जाए। बस अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्जी। हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, अब मैं गैस बंद कर दूंगी। आप चाहे तो इसे पूड़ी के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये सारी चीज़ों के साथ सही लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।